বাবুদেব জো পিএসসি মাহোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो शनिवार के दोपहर 3 बज चुके हैं और मैं आप सभी के सामने मोर छत्तीसगढ़, ये जो मेरा सीरीज है, इसका वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं, चूंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला वाला बैठा हुआ है, तो लाइव लाने की स्थिति में नहीं था, तो बस लाइव से 2-3 घंटे पहले ही इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग इसे स्ट्रीम करके क्या है देख सकें। किसी भी प्रकार का आपको कुछ डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में नीचे क्या करें, कमेंट करें और डाउट को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवाज थोड़ी भद्दी आ रही होगी तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोर छत्तीसगढ़, ये जो मेरा सीरीज है, इसका 29th वीडियो मैं लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका हूं, ठीक है। और ये जो वीडियो है, इसके माध्यम से मैं आप सभी को क्या करूंगा, तो बस्तर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आप सभी को पढ़ाऊंगा। अब चूंकि आप लोग इतने दिनों से ऑलरेडी मुझसे डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ ही रहे हैं, तो आप सभी को ये समझ जाना है कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में मैं क्या पढ़ाऊंगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, प्रशासन पढ़ाऊंगा, और उसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तहसील देखेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने से पहले क्यों ना एक बार इस बस्तर डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन को समझ लिया जाए, ठीक है। इसके लोकेशन को समझने के लिए इसके उत्तर नॉर्थ की तरफ से एक लाइन ले और इसके दक्षिण साउथ की तरफ से आपको दो लाइन लेना है। तो नॉर्थ उत्तर की तरफ से एक ले, दक्षिण साउथ की तरफ से दो लें। अब इसकी अगर आप पश्चिम में आ जाए, वेस्ट में, तो आपको एक और दो लाइन लेनी है, नॉर्थ से एक, साउथ से दो, वेस्ट से दो। अब क्या किया जाए, तो जितने इसके पड़ोसी हैं उनको प्लॉट कर लिया जाए। तो सबसे पहले यहां से यहां तक आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये हमारा कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोंडागांव। अब क्लॉकवाइज आएंगे तो यहां से लेके यहां तक अपने पूर्व ईस्ट की तरफ बस्तर जो है उड़ीसा राज्य को बॉर्डर करता है। अपने दक्षिण साउथ की तरफ आप आ जाएंगे तो ये बॉर्डर करेगा किसको? सुकमा को। फिर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो नीचे आपको दिखेगा दंतेवाड़ा, थोड़ा सा ये बॉर्डर करेगा किसको? बीजापुर को भी। बहुत सारे मैप्स में आपको बीजापुर बॉर्डर होते नहीं दिखेगा, ध्यान रखना बीजापुर से बॉर्डर बनाता है बस्तर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, नॉर्थ से एक लो, साउथ से दो, वेस्ट से दो, स्टार्ट किया कोंडागांव, क्लॉकवाइज चले तो उड़ीसा है, फिर सुकमा है, फिर दंतेवाड़ा और क्या है, बीजापुर। तो ये हमने मैप को देख लिया। अब आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर इसमें तहसील की बात करूं तो संख्या कितनी है? 9, ठीक है। तो इस बस्तर डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील मिलेंगे? 9। कौन कौन से हैं, तो चलिए भाई प्लॉट कर देते हैं। पहला तहसील है लोहांडीगुड़ा। कौन सा तहसील है? लोहांडीगुड़ा। अब इसी के ईस्ट की तरफ आओगे आपको मिलेगा बस्तर, फिर इसके ईस्ट की तरफ आ जाओगे आपको मिलेगा बकावंड। लोहांडीगुड़ा, बस्तर, बकावंड, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए नीचे तो आपको मिलने वाला है कौन सा तहसील? बस्तानार। फिर नेक्स्ट है तोकापाल और आपको मिलेगा जगदलपुर, ठीक है। लोहांडीगुड़ा, बस्तर, बकावंड, बस्तानार, तोकापाल, जगदलपुर, फिर नीचे आ जाएंगे
आपको मिल जाएगा सातवां तहसील दरभा। ठीक, अब बचे दो, आठ और नौ। तो ऊपर आपको मिलेगा एक तहसील, वो है भानपुरी, और नीचे आ जाए तो आपको ये जगदलपुर के नीचे की तरफ एक तहसील मिलेगा, नाम इसका है नानगुर। ठीक है, तो नौ तहसील हो गए, लोहांडीगुड़ा, बस्तर, बकावंड, बस्तानार, तुकापाल, जगदलपुर, दरभा, नानगुर और भानपुरी। विकासखंड या ब्लॉक की बात करो तो ध्यान रखना यहां पर सात विकासखंड हैं, तो एक भानपुरी और दूसरा नानगुर, ये दोनों विकासखंड या ब्लॉक नहीं है। बाकी जो सात बच गए, लोहांडीगुड़ा, बस्तर, बकावंड, बस्तानार, तुकापाल, जगदलपुर और दरभा, ये सात के सात विकासखंड हैं। तो हमने क्या देख लिया, नौ तहसील, सात ब्लॉक। हेडक्वार्टर्स की बात करोगे तो जिले का मुख्यालय क्या दिख रहा है, तो देखिए भाई जगदलपुर दिख रहा है। अच्छा, जगदलपुर संभाग का भी मुख्यालय है, आपको पता होना चाहिए कि बस्तर क्या है, एक संभाग है। 1981 में बस्तर संभाग बना और इस संभाग का मुख्यालय भी क्या है, जगदलपुर। तो जिले का मुख्यालय, संभाग का मुख्यालय, दोनों जगदलपुर, और उसके बाद हमारे राज्य का बस्तर संभाग का एकमात्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम। तो ध्यान आपको रखना है कि एकमात्र नगर निगम बस्तर संभाग में, और जिस क्रम से हम पढ़ रहे हैं उस क्रम के अनुसार, बनने के अनुसार नहीं, जिस क्रम से हम पढ़ रहे हैं, तो जिस क्रम से हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ये हमारा लास्ट है, नगर निगम जगदलपुर। ठीक है, यहां से कौन है भैया मेयर, तो है श्रीमती सफीरा साहू जी। ठीक है, पार्टी कौन सी है, कांग्रेस, पार्टी कांग्रेस, श्रीमती सफीरा साहू। क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्या किया जाए, नेशनल हाईवे प्लॉट कर दिया जाए। तो लास्ट वीडियो में नेशनल हाईवे 30 देख रहे थे, कोंडा गांव, और कोंडा गांव से आगे ये भानपुरी, भानपुरी से बस्तर, बस्तर से जगदलपुर, जगदलपुर से दरभा, और नीचे निकल जाएगा सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, इसको 50 बार देख चुके हैं। नाम है क्या, नेशनल हाईवे नंबर 3030। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना है एक और नेशनल हाईवे आपको बताता हूं, ये जो अपना उड़ीसा है ना, यहां पर है बोरीगुमा नाम की जगह, कौन सी, बोरीगुमा, बोरीगुमा से निकलकर ये आती है जगदलपुर, जगदलपुर से तोकापाल, तोकापाल से बस्ताना, इसके बाद ये दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, दंतेवाड़ा से बीजापुर, और बीजापुर से निकल जाएगी छत्तीसगढ़ से बाहर, कहां जाती है, तो फाइनली ये महाराष्ट्र के बरशी तक जाती है। नाम इसका है नेशनल हाईवे नंबर 63, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 234.2 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे 30 तो आप समझ ही गए थे, एक नया नेशनल हाईवे आपको बताया है, नेशनल हाईवे नंबर 63 बोरीगुमा से निकलकर आती कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ एंटर करती है, पहुंचती है जगदलपुर, जगदलपुर से तोकापाल, तोकापाल से बस्तानार, बस्तानार से बाहर निकल जाती है दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट होते हुए फाइनली महाराष्ट्र के बरशी तक जाती है। नाम है इसका NH 63, छत्तीसगढ़ में चलती है 234.2 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो तीसरा और आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, वो है क्या, विधानसभा। तो यहां पर तीन विधानसभा है, एक है क्या बस्तर, दूसरा जगदलपुर और तीसरा चित्रकूट। तो चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, ये तीन विधानसभा, और फाइनली इसी के साथ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट हमारा हो जाता है फिनिश। तो क्या देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में नौ तहसील है, सात ब्लॉक्स है, हेडक्वार्टर्स क्या है, जगदलपुर जिले का भी और किसका, संभाग का भी, फिर हमने देखा नगर निगम, फिर हमने क्या देखा, दो नेशनल हाईवे 30 और 63, और तीन हमने देख ली है क्या, विधानसभा। ठीक है भाई, अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, हिस्ट्री में। तो ध्यान आपको क्या रखना है, सबसे पहले जिला गठन या डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन तो हुआ था 1948, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। फिर संभाग गठन 1981, इसके अलावा
इतिहास में आपको याद रखना है, बहुत फेमस यहाँ का त्योहार बस्तर दशहरा, जो कि श्रावण मास की अमावस्या से स्टार्ट होता है। कितने दिन चलता है? 75 डेज, और विश्व का सबसे लंबा चलने वाला पर्व है। ध्यान आपको रखना है, 2017 मेंस में लिखने के लिए आया था ये, बस्तर दशहरा के ऊपर एक छोटा सा ऐसे 100 शब्दों में पूछा था, ठीक है। और 2018 में पूछा था विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार कौन सा है, बस्तर दशहरा आंसर लिया था। तो बस्तर दशहरा जो है ना, इसको आप 100 वर्ड्स में रेडी करना, 100 ज्यादा सही रहेगा, 30 थोड़ा कम हो जाएगा, 100 वर्ड्स में एक बढ़िया सा लॉन्ग नोट इसके ऊपर रेडी कर लेना, ठीक है, मेंस में काम आ जाएगा। तो जिला गठन 1948, आपको मैंने बताया था कि यहां पर कांकेर और बस्तर ये दो रियासतें हैं, और ये जो रियासतें थी इन्हीं को जोड़कर 1948 में क्या किया गया था, तो बस्तर जिले का गठन किया गया था। संभाग का गठन 1981 में हुआ है। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि इतिहास में क्या याद रखना है, यहाँ पर बस्तर दशहरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रावण मास की अमावस्या से स्टार्ट होता है और 75 डेज तक चलता है। मेंस में भी आ चुका है, प्री में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इतिहास में वैसे तो बहुत कुछ है बस्तर में, बट जिला के लेवल पे इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं भूगोल पे, ज्योग्राफी पे। तो सबसे पहले ध्यान रखना क्या, यहाँ पे चट्टान तो यहाँ पे रॉक देखोगे ना तो मिलेगा कड़प्पा। कौन सा चट्टान मिलने वाला है? कड़प्पा, अंग्रेजी में CUDDAPAH, कड़प्पा ऐसा लिखते हैं, डन। अब यहां से जो हमें खनिज मिल जाता है, मिनरल, वो मिल जाता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, डन, ठीक बात है। अब इसके बाद चूना पत्थर के भंडारण हमको क्या देखना है, रिजर्व्स देखने हैं लाइमस्टोन के। तो क्या है, देवरपाल, फिर है पोटानार, वडांजी, फिर है छग पर भानपुरी, फिर है देऊर गांव, भूर सुंडी, फिर है कडम्मा, फिर है अलनार, फिर है रायकोट, और है जूनागढ़। देवरपाल, पोटानार, वडांजी, छकपर, भानपुरी, देवरगांव, भुरसुंडी, कडमा, अलनार, रायकोट और जूनागढ़, ये चूना पत्थर के क्या है, भंडारण है, क्लियर है। तो क्या देखे हो अभी तक, अभी तक देखे चट्टान, रॉक यहां पर है कड़प्पा, जिससे कि क्या मिनरल मिल जाता है, प्रीडोमिनेंटली चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कहां कहां से, देवरपाल, पोटानार, वडांजी, छकपर, भानपुरी, देवरगांव, भुरसुंडी, कडमा, अलना, रायकोट और जूनागढ़, ठीक बात है। अच्छा, एकदम ऐसा कोई बहुत विशेष टाइप का पर्वत बोल दो तो भैया ऐसा तो पर्वत यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। नदियों की अगर बात करें नेक्स्ट, तो ध्यान आपको क्या रखना है कि उड़ीसा के, एक बना ही देता हूं मैं, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के एक पर्वत है जिसका नाम है मुंगेर, वहां से निकलती है कौन सी नदी, इंद्रावती। तो कालाहांडी है इसलिए क्या कर रहा हूं, तो करिया रंग का हांडी को मैं बना दे रहा हूं, समझ में आया। तो कालाहांडी, ये बन गया मेरा कालाहांडी। तो उड़ीसा, कालाहांडी, मुंगेर पर्वत, कौन सी नदी, इंद्रावती, इसी के तट पर क्या है, जगदलपुर। अब ये आगे निकला, ध्यान रखना ये बीजापुर काट के फिर कहां घुसेगा, दंतेवाड़ा, ठीक है। ये नदी के फ्लो के डायरेक्शन को भी मैंने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। क्या नाम है इसका, नाम है इंद्रावती नदी, क्या नाम है, इंद्रावती, ठीक है। अब इंद्रावती की एक सहायक है जो कि कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से निकली थी, नाम इसका है क्या, नारंगी, ठीक है। ये दोनों जो मिलते हैं ना, लोहांडीगुड़ा से काफी नजदीक मिलते हैं, बट एक्चुअली गांव का नाम है क्या,
नारायण पाल। और ये जो नारायण पाल है ना, बहुत फेमस है किसके लिए पता है? ये बहुत ज्यादा फेमस है अपने, यहां लिख देता हूं, विष्णु मंदिर के लिए। किसके लिए बहुत फेमस है? विष्णु टेंपल, नारायण पाल। तो नारंगी और इंद्रावती जो है ना, उसी का संगम हो रहा है नारायण पाल विलेज, नारायण पाल गांव। किसके लिए फेमस है? विष्णु मंदिर के लिए। अच्छा, अब उड़ीसा में ही आपको ध्यान क्या रखना है? तो ध्यान रखना है सिकराम पर्वत, वहां से नदी निकलती है कौन सी? शबरी। और ये जो शबरी है, फिर पहले बस्तर आती है और निकल के फिर कहां चली जाती है? सुकमा। क्या नाम है इसका? शबरी। डन। तो इंद्रावती, उसकी सहायक नारंगी, फिर क्या देखिए, एक नदी शबरी। अब शबरी की सहायक नदियों की बात करोगे यार, तो एक नदी आपको दिखने वाली है कौन सी? तो आपको दिखेगी कांगेर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कांगेर है ना, इस कांगेर की एक छोटी सी सहायक है, ये ऐसे बना देता हूं, इसका नाम है मुनगा बहार। तो क्या देखें, शबरी की सहायक कांगेर, कांगेर की सहायक मुनगा बहार। कांगेर मुनगा बहार छोटी छोटी नदियां हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा इनके उद्गम उद्गम के पीछे भागना मत, प्रॉपरली मिलेगा नहीं। मुनगा बहार के बारे में जानना, ये असल में दो नदियां हैं, एक का नाम मुनगा है, दूसरे का नाम बहार है। दोनों मिलती है एक गांव में जिसका नाम है तीरथगढ़, और जलप्रपात बनाती है वाटरफॉल, और वाटरफॉल बनने के बाद एक नदी बहकर आगे बढ़ती है, या एक नदी बनकर दोनों आगे बढ़ जाती है। तो मुनगा और बहार दोनों मिला दिए, मुनगा बहार। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जाए? जलप्रपात, वाटरफॉल। तो ध्यान रखना, आप लोहांडीगुड़ा से आगे बढ़ जाएंगे ना पश्चिम वेस्ट की तरफ, आपको एक जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम है क्या? चित्रकूट। कौन सी नदी पर है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी के ऊपर है। ठीक है। इसका शेप देखोगे ना तो ये हॉर्स शू के जैसा है, घोड़े की नाल के जैसा, और इसकी चौड़ाई 200 meters। आप गूगल करोगे, आपको विकिपीडिया में 300 meters मिलेगा, आपको 200 मानना है। समझ में आया? डॉक्टर एलन वर्मा पुस्तक में लिखा है 200 meters, तो वही मानना है। तो चित्रकूट आकार है हॉर्स शू, घोड़े की नाल के जैसा, चौड़ाई 200 meters। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। इंग्लिश में नायग्रा, हिंदी में नियाग्रा लिख देता है। समझ में आया? तो इंडिया का नायग्रा या भारत का नियाग्रा। शेप कैसा है? घोड़े की नाल के जैसा, हॉर्स शू। क्या नाम है? चित्रकूट। वैसे ही मुनगा बहार, तो मैंने आपको बताया था दो नदी अलग अलग है, एक का नाम मुनगा, दूसरे एक बहार। दोनों मिली किस गांव में? तो गांव का नाम है तीरथगढ़, और तीरथगढ़ में मिलने के बाद एक वाटरफॉल बनाई दोनों, और वाटरफॉल बनाने के बाद एक नदी बनकर दोनों आगे बढ़ी, तो मुनगा बहार नाम पड़ा। जलप्रपात का नाम है क्या? तीरथगढ़। ठीक है। कुछ और वाटरफॉल्स भी हैं, क्या क्या हैं? ठीक है भाई, तो इस नदी के, इंद्रावती के दक्षिण की तरफ आओगे तो आपको एक मिलेगा तामड़ा घूमर, फिर थोड़ा सा इसके ईस्ट की तरफ जाओगे आपको मिलने वाला है क्या? मेदरी घूमर। तामड़ा घूमर जो है ना, इसमें जिस नदी के ऊपर है उसका नाम तामड़ा बहार है, तो तामड़ा घूमर, मेदरी घूमर। और बस्तानार तोकापाल के बीच में हाईवे 63 के दक्षिण की तरफ आओगे आपको दो जलप्रपात मिलने वाला है, एक का नाम है महादेव घूमर, और ये जो दूसरा है इसका नाम है मड़वा। तो क्या ध्यान रहेगा? जलप्रपात में चित्रकूट देख लिए थे, तीरथगढ़ देख लिए थे, फिर इंद्रावती नदी के नीचे तामड़ा घूमर, मेदरी घूमर, और 63 के नीचे बस्ताना तोकापाल के बीच में महादेव घूमर और मड़वा, और उसके बाद ये जो कांगेर है ना, इस नदी के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा भैया? कांगेर धारा। तो इतने सारे वॉटरफॉल्स को आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी? डैम की। तो इस जिले में एक डैम है, नाम है क्या? कोसार टेडा। कोसार टेडा बांध किसके ऊपर है? कोसार टेडा नाला के ऊपर।
तो ध्यान रखना ये असल में ऐसा है, क्या बना बता देता हूं। इंद्रावती है, इंद्रावती की सहायक एक ठो है नारंगी, नारंगी की एक ठो सहायक है जिसका नाम है मारकंडी। क्या नाम है? मारकंडी। मारकंडी की सहायक है आपका कोसार टेडा नाला, उसके ऊपर है कोसार टेडा डैम। समझ में आया? बाकी लोग हल्ला मत करते रहना सर मारकंडी के ऊपर है करके, जात कूद के देख लो किसके ऊपर है। तो नारंगी है, नारंगी की सहायक मारकंडी, मारकंडी की सहायक कोसार टेडा नाला, उसी के ऊपर कोसार टेडा डैम। क्लियर है? तो हमने क्या देख लिया? नदी देख लिया, वॉटरफॉल देख लिया, डैम देख लिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर अपन आए तो इंडस्ट्रियल एरिया देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया ज्योग्राफी चल रहा है तो औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाओगे तो एक है कलचा, दूसरा है धूरा गांव। क्या क्या है? कलचा धूरा गांव, दो औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है यहां पर। चलिए ज्योग्राफी को एंड करते हैं नेशनल पार्क से। तो नेशनल पार्क देखते जाना भाई, क्या है नेशनल पार्क? तो नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, 1982 में ये नेशनल पार्क बना। इसका क्षेत्रफल 200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे सबेस लिख दिया मैं, सबसे छोटा नेशनल पार्क है और हमारे राज्य का ये नवीनतम नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो कांगेर वैली जो हम पढ़ रहे हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली नेशनल पार्क, तो इसके बारे में कुछ और चीजों को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं भाई? तो सबसे पहले यहां पर पहाड़ी मैना, इसका संरक्षण किया जाता है, हिल मैना का कंजर्वेशन किया जाता है। यहां पर तितली पार्क है, कौन सा पार्क है? बटरफ्लाई पार्क है। यहां पर भैंसा दरहा है, यहां से क्या मिलते हैं भैया? तो भैंसा दरहा जो है यहां पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ क्रोकोडाइल मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या क्या देखें? पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है, तितली पार्क है, भैंसा दरहा है। ध्यान आपको ये रखना है कि इसको ना 1985 में बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी कहां का? एशिया का फर्स्ट बनाने की घोषणा की गई थी। समझ में आया? क्या किया गया था? डेक्लेरेशन 1985 में, किसको क्या करेंगे? एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे करके। बट ये बना कि नहीं बना, आज तक कभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। वर्तमान स्थिति की अगर देखोगे तो भारत में जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, संरक्षित जैव मंडल हैं, उनमें इसका नाम नहीं मिलता। अगर डिटेल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी हमें ज्ञान है, जिसको सरकार ने घोषित कर दिया है और वो सही में बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है, और वो क्या है? अमरकंटक, KNTA के कंटक, अचानक मार। समझ में आया? तो 85 में घोषणा किए थे बनाएंगे, बना कि बना नहीं कह सकते, लेकिन रिकॉर्ड्स को देखोगे तो नहीं बना ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अमरकंटक अचानक मार है, और भारत में भी जितने बायोस्फीयर रिजर्व है उनके भी लिस्ट को देखोगे तो कहीं पर भी कांगेर वैली नहीं मिलता। मजे एक बात, ये क्वेश्चन प्री में आया है और आयोग ने इस स्टेटमेंट को सही माना है कि यह बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि बिल्कुल भी
नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, मान लिया तो मान लिया है। अब पूछोगे क्या करना चाहिए, तो भाई मैं आपकी जगह रहता तो मैं तो इसको नहीं मानता। नेक्स्ट, इसकी वेस्टर्न मोस्ट जो सीमा है, बॉर्डर है, वो कहां तक जाता है पता है आपको? वो जाता है तीरथगढ़। कहां जाता है? तीरथगढ़। वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर इसका कहां तक जाता है? तीरथगढ़ तक। ये स्टेटमेंट भी आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कुछ गुफाएं हैं, कौन कौन सी गुफा है? एक है कोटमसर, फिर मिलेगी कैलाश, कैलाश गुफा भी 2016 में इसमें 30 वर्ड्स के लिए आ चुका है लिखने के लिए, फिर तीसरी दंडक। तो देखिए, रामायण खाली ने एक राक्षस था जिसका नाम था दंडक, और वो जो दंडक था इस अरण्य क्षेत्र में रहता था, जंगल के क्षेत्र में, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? दंडक धन अरण्य, दंडक अरण्य, समझ में आया? तो दंडक राक्षस की ये गुफा थी। तो तीन गुफाएं, कोटमसर, कैलाश और दंडक। इसमें से अपन क्या करते हैं, तो अपन ना कोटमसर केव के बारे में देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोटमसर गुफा, कोटमसर केव, 2016 प्री में पूछा था, इसके खोजकर्ता तो नाम याद रखना शंकर तिवारी। एक्चुअली क्या था, जब ये गुफा खोजी गई ना तो इसका नाम रखा गया था गोपनसर, 1950s में ढूंढे थे इसको, गोपनसर गुफा नाम था इसका, क्या नाम था? गोपनसर। समझ में आया? बाद में धीरे धीरे नाम बदला, और जिस गांव के पास ये गुफा है, कोटमसर नाम के गांव के पास है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोटमसर। बहुत जगह नाम इसका कुटुमसर कुटुमसर पढ़ोगे, कोटमसर मेरे हिसाब से ज्यादा सही है, ठीक है। यहां पर हमें एक छोटा सा कुंड है पानी का, नाम इसका है शंकर कुंड। क्या नाम है? शंकर कुंड। और ये जो शंकर कुंड है ना, इसी में मिलती है छोटी छोटी अंधी मछलियां। समझ में आया? छोटी छोटी अंधी मछलियां मिलती हैं इसमें। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का झिंगूर मिलता है यहां पर, क्रिकेट, जिसमें हम लोग हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, वाला नहीं है। समझ आया? झिंगूर क्रिकेट, ये बड़ा नए टाइप का प्रजाति था, इसका नामकरण किए किसके नाम से? तो जो खोजे हैं ना उन्हीं के नाम से, कैपियोला शंकराई नाम रखा इसका। क्या नाम रखा? कैपियोला शंकराई। तो शंकर तिवारी ने खोजा, शंकर कुंड है, अंधी मछलियां मिलती हैं, ठीक है। झिंगूर क्रिकेट एक नए टाइप का वहां मिला, नाम रखे कैपियोला शंकराई। ये पूरा का पूरा जो गुफा है ना, ये लाइमस्टोन बेल्ट पे है। किस बेल्ट पर है? लाइमस्टोन बेल्ट पे, ठीक है। इसके अंदर से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम क्या है? कांगेर। क्या नाम है नदी का? नदी का नाम है कांगेर नदी, क्लियर है। इसी गुफा में आपको स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट आकृति देखने को मिल जाती है, ठीक है। होता क्या है, अब ये चूना पत्थर की गुफा है, चूना पत्थर पानी में घुलनशील होता है। अब मान लेते हैं ये गुफा की छत है, और ये क्या है? गुफा का तल है, फ्लोर है। तो जब पानी ऊपर से रिसता है तो पानी अपने आप में चूना पत्थर को कुछ घोल लेता है, और जब पानी की बूंद टपकती है तो चूना पत्थर इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ जमा होने लगता है कोनिकल शेप में। यही आकृति कहलाती है स्टैलेगमाइट। अब जब चूना पत्थर टपक रहा होता है तो असल में थोड़ा सा हिस्सा चूना पत्थर का ऊपर ही लटक जाता है, जो धीरे धीरे लटक लटक कर बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? तो आप लोग अपने घर में कभी सीड़न देखे होंगे। सीड़न कैसे होती है? तो पहले एक बूंद से चालू होती है, छत से एक बूंद गिरती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, धीरे धीरे आप देखोगे तो क्या हो जाता है पता है? आपके छत के ऊपर परमानेंटली एक ठो बूंद बन जाता है। तो वो क्या हो रहा था, आपके छत पे जो पानी था वो थोड़ा नमक वाला था, तो धीरे धीरे नमक का कुछ हिस्सा, जब पानी टपकता था तो नमक का कुछ हिस्सा
पानी के साथ नीचे गिर जाता था और कुछ हिस्सा नमक का ऊपर ही लटका रह जाता था। तो ये तो एक बूंद ने इतना बड़ा बनाया, तो जब दूसरी बूंद गिरेगी तो क्या होगा, थोड़ा और नमक जमा होगा। फिर तीसरी बूंद गिरेगी तो थोड़ा और नमक जमा होगा। फिर चौथी बूंद गिरेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा और नमक जमा होगा। और इस प्रकार से आकृति बढ़ती रहती थी। तो वैसे ही क्या होगा, जब चूना पत्थर जो कि घुला है पानी में, डिसॉल्व लाइम है पानी में, वो जब गिरेगा तो थोड़ा सा हिस्सा चूना पत्थर का नीचे टपक जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लटका रह जाएगा। ये तो एक बूंद का कमाल था। और लगातार करोड़ों वर्षों से लगातार जो बूंदें गिर रही हैं, 1, 2, 3, 4 करके धीरे धीरे क्या किया है उसने, ही चूना पत्थर की ऐसी आकृति ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ बनाई है। कैसा शेप रहता है, कोनिकल। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ये कहलाती है स्टैलेक्टाइट, जो नीचे से ऊपर की तरफ गई है वो है स्टैलेगमाइट। तो ऊपर वाला टाइट, नीचे वाला माइट। तो याद रखना, ऊपर से टाइट पकड़ो नहीं गिर जाएगा, तो स्टैलेक्टाइट है ये, ठीक है। कैलाश गुफा में भी ऐसे ही स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट आकृतियां देखने को मिलती हैं। समझ में आया, वहां तो स्टैलेगमाइट आकृति है ना, कई जगह शिवलिंग के जैसे दिखती है, इसलिए उसका नाम ही क्या है, कैलाश गुफा। तो याद रखना, कैलाश गुफा और कोटमसर दोनों जगह स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट दिखता है। तो स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट कोटमसर में भी याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है, कैलाश गुफा में भी स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट। कैलाश गुफा दो है, एक जशपुर एक बस्तर। मेंस में स्पेसिफिक लिख के देता है बस्तर की कैलाश गुफा के बारे में बताइए। तो बस्तर की जो कैलाश गुफा है उसका क्या महत्व है, स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट आकृतियां। तो स्टैलेगमाइट वहां पर ऐसी दिखती है जैसे कि क्या है, बहुत से शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम पड़ा कैलाश गुफा, ठीक है। तो कोटमसर में क्या देखे, खुदने वाले शंकर तिवारी, शंकर कुंड है, अंधी मछलियां, झिंगुरिया क्रिकेट मिलता है, लाइमस्टोन के बेल्ट पर है, कांगे नदी अंदर से बहती है, स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट आकृतियां दिखती है यहां पर। और इसका संबंध जो है ना रामायण काल से भी माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि रामायण काल में राम जी और सीता माता ये दोनों यहां पर नित्य आकर क्या करते थे, एक शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो एक शिवलिंग था, उसका क्या करते थे, यहां पर पूजा करते थे। डन, ठीक है भाई। फाइनली अब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं जनजाति पर्यटन, ट्राइब्स एंड टूरिज्म। तो कौन कौन सी जनजाति यहां पर दिख जाएगी, तो जनजाति दिख जाएगी परजा, जिनको और क्या कहते हैं हम लोग, धुरवा, इसके अलावा हलबा, फिर भतरा और गोंड। परजा, धुरवा, हलबा, भतरा, गोंड, ये ट्राइब्स, ये जनजातियां दिख जाएंगी। अब पर्यटन की बात करोगे, टूरिज्म की, तो नारायण पाल देख चुके हैं, इसके अलावा जगदलपुर, तो जगदलपुर को क्या कहते हैं यार, कहते हैं चौराहों का शहर, सिटी ऑफ स्क्वायर्स। इसके अलावा जगदलपुर में दलपत सागर नाम की क्या है, एक झील है, दलपत सागर लेक, जो कि छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट मैनमेड झील है, ठीक है, लेक है। और इसके बाद फाइनली यहां पर क्या है, एंथ्रोपोलिजियम। एंथ्रोपोलिजियम बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको नृ जातीय संग्रहालय। तो ध्यान आपको रखना है कि जनजाति, सॉरी जनजाति बोल रहा हूं, मानव विकास, गलती से जनजाति बोल दिया था, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित ये एक म्यूजियम है, इसी को बोलते हैं नृ जाति संग्रहालय, एंथ्रोपोलिजियम। तो इसी के साथ इसका जनजाति और पर्यटन, ट्राइब्स एंड टूरिज्म भी खत्म हो जाता है। फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज के साथ, 3-4 मेंस के क्वेश्चन बताए हैं, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नारायण पाल मंदिर राज्य के किस जिले में है, तो आई होप आप लोग जान ही गए होंगे, बस्तर जिले में है ये नारायण पाल का विष्णु मंदिर, ठीक है। और फाइनली भारत का नायग्रा किसको कहते हैं, तो ना बूझमाड़ को कहते हैं, ना मैकल पर्वत को कहते हैं, ना बेलाडीला को, आंसर लोगे इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या है, चित्रकूट, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर है, इंद्रावती, क्यों कहते हैं,
तो ये पूरे भारत का क्या है, सबसे चौड़ा वाइडेस्ट वॉटरफॉल है, कहां का? इंडिया का। कितनी विड्थ है? 200 मीटर। शेप कैसा है? हॉर्स शू, घोड़े की नाल के जैसा, समझ में आया? चलिए, तो यहां पर ये वीडियो मेरा खत्म हो जाता है, क्लियर है? और आप सभी से फिर इसी प्रकार अगले शनिवार को मैं मुलाकात करूंगा, तो मैं मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। ये कैसे होगा सर?